हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आपका हमारे चैनल में। इसी के साथ आज का वीडियो जो यहाँ पे है, बहुत सारे बच्चे जो नए होते हैं उनको पता नहीं होता है कि उनको अपना रिज़ल्ट कौन से वेबसाइट पे जाके चेक करना होता है और आपका रिज़ल्ट किस प्रकार आपको चेक करना होगा। तो पहली बात, आपको अपने ऑफिशियल वेबसाइट जो महाराष्ट्र बोर्ड का है उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके आपको अपना रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद कुछ इस प्रकार का देखा जाए आपका ओपन वहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो हॉल टिकट का रोल नंबर है, याद रखिए आपके जो कॉलेजेस में रोल नंबर था उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो आपको हॉल टिकट दिया है उसका नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा अपने हॉल टिकट का। मदर्स फर्स्ट नेम जो आपका रहेगा वो आप अपनी मदर्स का फर्स्ट नेम जो आपके एडमिट कार्ड पर रहता है वो आप नेम यहाँ पे लिखोगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन होता है, सबमिट करोगे वैसे ही उसके बाद आपका स्कोर कार्ड सामने दिख जाएगा जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी ले सकते हो। तो कुछ इस प्रकार आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे नए होते हैं उनको नहीं पता होता है तो मैंने यहाँ पर बता दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद कुछ इस प्रकार दिखेगा, आप अपना रोल नंबर और मदर्स का फर्स्ट नेम डाल के आप चेक कर सकते हो। कोई और भी डाउट्स आपको लगेगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।